बुधनी में एक ऐसा मामला सामने आया जहां दोस्त थे, दोस्त का हत्यारा निकला। पैसे देकर दोस्त की नीयत खराब हो गई और पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि मृतक अनिकेत चौहान एटीएम से लगभग 1 लाख रुपए निकाला था। इतने रुपए देकर नीयत खराब हो गई और रुपयों का लालच आ जाने से अनिकेत को मौका मिलते ही उसने सुनसान जगह देखकर ताबड़तोड़ बेरहमी से वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। और पुलिस ने आरोपी भूरा उर्फ राजकुमार से पूछताछ करने पर उसके पास से हथियार और 99,000 रुपये जब्त किया और बुधनी न्यायालय में पेश किया। मृतक अनिकेत और आरोपी राजकुमार दोनों ही एटीएम से पैसे निकालने ही ले गए थे। आरोपी ने जब एक साथ 1 लाख रुपए कैश अनिकेत के पास देखा तभी से उसकी नियत घटना को अंजाम देने की हो गई थी। और शाम को खेत से निकलने के बाद जब आरोपी राजकुमार ने अनिकेत को अकेला पाया तो मौका देखकर उसने उसके पास जो दराता हथियार था उससे वार करके उसकी अकेले में मृत्यु कर दी। और घटना के बाद आरोपी ने जो पहने हुए कपड़े थे वो धोके छुपा दिए थे, साथ ही जो घटना के लिए हथियार उपयोग किया गया था वो भी छुपा दिया था, जिसे पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया गया है।